प्रचार के आखिरी दिन जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वायनाड की धरती पर कदम रखा और शानदार तरीके से एंट्री ली तो सबकी निगाहें बस एक चीज पर टिक गईं। जनता से लेकर तमाम न्यूज चैनल, पत्रकारों के कैमरे सब बस वही रुक गए। कोई इस एंगल से, कोई दूसरे एंगल से, बस वही चीज अपने कैमरे में कैद करने लगा। जो लोग टीवी पर टकटकी लगाए राहुल के वायनाड दौरे की तस्वीर देख रहे थे, वो भी उनकी नजर हटी नहीं। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर वो क्या है, तो चलिए आपको ज्यादा सस्पेंस में नहीं रखते। दरअसल वो है राहुल गांधी की टी शर्ट जो उन्होंने वायनाड में उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दिन पहनी। कांग्रेस सांसद की ये टी शर्ट इसलिए चर्चा में आई क्योंकि इसमें आई लव यू वायनाड लिखा है। टी शर्ट ही नहीं बल्कि उनके एक एक्शन ने तो मानो वायनाड की जनता का दिल ही जीत लिया। वो था राहुल का फ्लाइंग किस। दरअसल रोड शो के दौरान राहुल गांधी लोगों को फ्लाइंग किस दे रहे थे। अब राहुल की यही दो तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है जो उनके चाहने वालों को खासा पसंद आ रही है। बता दे जो बहन राजनीति में कदम कदम पर भाई के साथ चट्टान की तरह खड़ी रही, उस बहन प्रियंका के लिए भाई राहुल प्रचार के मैदान में कूद पड़े। उन्होंने अपनी बहन को जिताने के लिए पूरा दमखम लगा दिया है। हर तबके के वोटर को साधने के लिए जो बन सकता है वो कर रहे हैं। यही वजह है कि प्रचार के आखिरी दिन बहन प्रियंका के साथ राहुल गांधी ने वायनाड में लंबा रोड शो किया जिसमें भारी तादाद में राहुल गांधी के समर्थक, सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता दिखाई दिए। वायनाड सीट पर 13 तारीख को वोटिंग होनी है जिसका रिजल्ट 23 नवंबर को घोषित किया जाएगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली दोनों ही सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में उन्होंने वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया था। अब इस सीट से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं, इसलिए कांग्रेस किसी भी तरह से इस सीट पर प्रियंका को जिताकर उनकी पॉलिटिकल एंट्री को ग्रैंड बनाना चाहती है।